आंसर लिसन टू मेरे पीछे मत आओ। क्या हम 2 मिनट बात नहीं कर सकते? छोड़ो, मेरा कोई देख लेगा। देखो, हम कहीं बैठ कर आराम से 2 मिनट बात नहीं कर सकते? नहीं, जो बात करनी है अभी यहाँ पे करो, क्योंकि तुम्हारी इन फजूल की बातों के लिए ना मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है। हाँ, मेरी बातें फजूल हैं? मैं तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं हूँ ना? तो फिर इतने महीनों से मेरे साथ दोस्ती रखने का क्या मतलब था? वाओ, कर दी आखिरकार उन्हीं घटिया लड़कों जैसी बात तुमने। दो चार बातें तुमसे हंस के क्या कर ली, तुम तो पता नहीं क्या समझने लग गए हो। हाँ, समझ लिया मैंने। इसे एक पल के लिए इमेजिन करो कि मेरी जगह कोई ऐसा लड़का होता जो तुम्हारे स्टेटस का होता, तुम्हारी क्लास का होता, उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस होता, फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे जैसा होता और उसकी तुम्हारे साथ ऐसे ही दोस्ती होती, तो क्या तुम उसके उसकी मोहब्बत को इसी तरह से धुकार के यहाँ से चले जाने की जरूरत करती? What do you mean? मैंने तुम्हें इनकार इसीलिए किया है कि तुम गरीब हो। हाँ, ऐसा ही है, और तुम इस फैक्ट को झुठला नहीं सकते। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? तुम्हारे लिए ये दोस्तियां रखना, लोगों को जेरे आप करना बड़ा आसान होता होगा ना, बड़ा शौक होगा तुम्हारा, सबके सामने खुद को सुपीरियर फील करो, लेकिन सब कुछ ये नहीं होता है शानदार वकार। अभी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, एक लफ्ज और मत। इंसल्ट तो मेरी कर रही हो, मेरे जज्बात की इंसल्ट कर रही हो तुम। और जो मैंने आज तुमसे कहा है ना, मैं पहले भी इशारतन अपने जज्बात का इजहार तुमसे कर चुका हूं। फॉर गॉड सेक। लेकिन उसके बाद भी तुम अनजान बनकर मेरे साथ घूमती रही, मेरे साथ तुमने दोस्ती रखी, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ था। अच्छा, इस बात का जवाब मुझे आज नहीं चाहिए, प्लीज तुम घर जाओ, सुकून से सोचो इस बारे में। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बस मुझे एक टेक्स्ट कर दे। तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस।